नमस्कार, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का पद्मिनी एंटरटेनमेंट में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे साल 2016 के टॉप 12 न्यूज, लेकिन रिवाइंड तरीके से। 5 दिसंबर 2016 रात 11:30 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता जी का दुखद निधन हो गया। जयललिता जी को उनके समर्थक अम्मा के नाम से संबोधित करते थे और उन्हें सदैव उनके जनहित में किए गए कार्यों के लिए याद रखा जाएगा, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। जयललिता जी के शोक सभा में देश के जाने मानी हस्तियां और उनके समर्थक उपस्थित थे। भारतीय राजनीति में अम्मा का सदैव खलल रहेगा। नमस्कार, मैं शाश्वती स्वामी लेके आई हूँ नवंबर महीने की ऐसी एक खबर जिसका परिणाम पूरे भारतवर्ष के आर्थिक गतिविधियों पे पाया गया। 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये घोषित किया कि ₹500 और ₹1000 की नोटों को मध्यरात्रि 12 बजे से व्यवहार से निकाल दिया जाएगा। इस क्रिया का मुख्य हेतु ये था कि आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार से सहाय देश में छिपा हुआ काला धन बाहर आ सके। नमस्ते, मैं संदीप फुलारी। अक्टूबर 2016 में भारत ने ईरान को हराकर कबड्डी विश्व कप पर किया कब्जा। भारत ने ईरान को 38-29 से मात देते हुए कबड्डी विश्व कप का किताब तीसरी बार अपने नाम कर लिया। भारत की जीत के असली हीरो रहे दिग्गज अजय ठाकुर। कबड्डी इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता से हम शायद यह कह सकते हैं कि क्रिकेट की तरह कबड्डी को भी जल्द से जल्द अच्छे दिन आएंगे। नमस्कार, मैं प्रज्योत महाजन। इस साल सितंबर में सिडको ने CFLD चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर नैना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के निर्माण के लिए एक समझौता करार किया। इस करार के अंतर्गत रायगढ़ जिले में स्थित इस शहर के निर्माण की पूर्ण जिम्मेदारी CFLD और सिडको की होगी। नमस्ते, मैं रणजीत मोरे। अगस्त महीने में हुए रियो ओलंपिक में महिलाओं का प्रभाव दिखाई दिया। महिला भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। भारत के इन स्टार प्लेयरों को उनके इस कामयाबी की वजह से पूरे दुनिया में सहारा गया। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा। जुलाई 2016 में मुंबई के बाइकला जू में साउथ कोरिया के 8 हम्बोल्ड पेंगुइन्स यहाँ लाए गए हैं। इनमें से 3 नर और 5 मादाएं हैं। इन पक्षियों के लिए 1700 स्क्वायर फीट की एयर कंडीशनिंग चेम्बर यहाँ बनाई गई है, लेकिन कई प्राणी प्रेमियों और तज्ञों का कहना ये है कि इन्हें यहाँ रखना उचित नहीं है। नमस्ते, मैं करिश्मा वैश जून मंथ की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल खबर लेकर आई हूँ। सेंसर बोर्ड के आपत्ति को लेकर विवादों में घिरे अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को सेंसर बोर्ड ने 13 सुझावों में 94 कट के साथ ए सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया, लेकिन फिल्म के निर्माता कंपनी फैंटम फिल्म्स ने इन सुझावों को न स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नमस्कार, मैं हूँ महेश बगाटे। 4 हफ्तों बाद मई महीने में भी सैराट भारी पड़ी बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों पर, सरबजीत और वीरप्पन। बकायदा नवाज, रणदीप हुडा, ऐश्वर्या राय इन कलाकारों की कामों को दर्शकों से बड़ी अच्छी तरह से सराहा गया। नमस्ते, मेरा नाम सतीश सोनटक्के। अप्रैल महीना हुआ झिंगाट, तो कैसे जानिए। अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म सैराट ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में नया इतिहास रचा है। नागराज मंजुले दिग्दर्शित फिल्म सैराट ने सभी मराठी फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 100 करोड़ की ओर प्रस्थान किया है। नमस्कार, मैं आदेश गोरे। मैं मार्च महीने की खबर लेके आया हूँ। इस साल मार्च में इंडियन यूरोपियन काउंसिल की बैठक जो कि ब्रसेल्स बेल्जियम में हुई थी, इसमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क मौजूद थे। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों पक्षों ने दहशतवादी हमले के खिलाफ साथ खड़ा रहने का वादा किया है, और लखनऊ मेट्रो के लिए यूरोपियन असिस्टेंट बैंक ने 450 मिलियन यूरो की राशि लोन के तौर पर देने का वादा किया। नमस्ते, मैं प्रतीका तळेकर। इस फरवरी से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया को लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना पे काम शुरू कर दिया गया है। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अच्छी और ज़रूरती चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण भारत में हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी। नमस्कार, मैं गोविंद। जनवरी की बड़ी खबर, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना सिक्किम। तकरीबन 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में टिकाऊ कृषि कर सिक्किम बना भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
गैंगटॉक में हुए टिकाऊ कृषि सम्मेलन में इसकी औपचारिक घोषणा की। तो दोस्तों ये थी 2016 की 12 महीनों की 12 खबरें। धन्यवाद। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के निर्माण की कट। इस साल मार्च महीने में जो इंडियन यूरोपियन काउंसिल की बैठक बरोबर होता भावा यावेळी इंडियन। नमस्कार, मैं शाश्वती स्वामी लेके आई हूँ नवंबर महीने की ऐसी एक तो पद्मिनी एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। बरोबर होता सब्सक्राइब झालं। एप्रिल में रिलीज हुई फिल्म सीआर परफेक्ट होता सैराट भी सर्वस। चलो स्टैंड बाय। ऑगस्ट महीने में हुए रियो ओलंपिक। सॉरी नमस्कार, पद्मिनी एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। इकडे कशाला घातलेला बघितलं परत। एक्शन। नमस्कार, मैं गोविंद, मैं आ रहा हूँ पद्मिनी एंटरटेनमेंट के रिवाइंड सॉरी स्टैंड बाय। नमस्कार, मैं गोविंद, भारत की जीत के असली आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कीजिए ना कीजिए। okay. आप पद्मिनी एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पेजेस को लाइक कीजिए। थैंक यू।